चार भाइयों, ये देखिए कसाना एग्रो का लोडर डबल जैक में, फ्रंट लोडर डबल जैक डबल लीवर के साथ में। मैं आज इसकी आपको खासियत बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बढ़िया चीज़ है इस लोडर में, या कसाना जो लोडर होते हैं उनकी बकेट होती है, जो बकेट होती है वो हैवी होनी चाहिए। देखिए आप, मैं इसको दिखा देता हूँ कितना बेहतरीन ब्लेड वगैरह, और हैवी बकेट इसे बोलते हैं, मजबूत है, देख रहे हैं आप, मजबूत बकेट बनाई। अगर बकेट हैवी होगी तो लोडर हैवी है। लोडर के अंदर मेन जो चीज़ है वो बकेट है उसकी। अगर बकेट ही हैवी नहीं है, हल्की बकेट है, तो उस लोडर का कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज़ है उसकी बकेट हैवी होनी चाहिए। और ये आप देख रहे हैं जितने भी ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं, ग्रीसिंग पॉइंट है, आप इसमें ग्रीस गन लगा के आप ग्रीस करें, ताकि जो पिन है और बुश है उसके बीच में ग्रीस पहुँच जाए, तो वो ख़राब नहीं होता, वो घिसता नहीं है। हैवी बकेट तो सबसे बढ़िया मेन पसंद है, वो हैवी बकेट हैवी होनी चाहिए। और आप और भी देख सकते हैं, नक्के वगैरह कितने हैवी लगाए गए हैं लोहे के, तो ताकि कोई चीज़ जल्दी से ख़राब ना हो। ये दिखा देता हूँ आपको, इसकी आज खासियत दिखाता हूँ, इस लोडर की क्या खासियत है। कसाना एग्रो का फ़ोन नंबर है, जिस भाई को लगवाना हो संपर्क कर सकते हैं। और ये जो दो पिन है, ये ऐसा नहीं है फिक्स लोडर नहीं है, ये दो पिन है, आप इन दो पिन को निकाल के लोडर अलग और ट्रैक्टर अलग कर सकते हैं। ये देखिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से मेरे भाई जो लोडर लगवाते हैं वो केबल आगे आगे में लगवा लेते हैं, तो कृपया करके ऐसा ना करें। उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर का जो है नुकसान होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। मैं दिखा देता हूँ हम लोग जो कसाना एग्रो है वो किस तरीके से लोडर बनाता है, पीसेस किस तरीके से बनाता है। आप देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे पूरा वेल्ड करके बनाया गया, देखिए फ्रंट में इतना सपोर्ट दे दिया, एक ऊपर से दो सपोर्ट यहाँ से आ गया, यहाँ पे लगा, फिर यहाँ से इसको ये सपोर्ट दे दिया, देख रहे हैं बीच में सपोर्ट दिया गया। और आप नीचे भी देख सकते हैं, पूरा नीचे चैनल जा रहा है उस साइड पर, पूरा सपोर्ट दिया गया है इसको, ताकि ट्रैक्टर के कि फुल ट्रैक्टर पे जो वेट आए वो बराबर आए, ऐसा नहीं कि आगे आगे वेट हो गया, पीछे वेट हो गया। उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर बीच में से टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा का मतलब यह है कि टूटता ही टूटता है, 90% क्रैक खाता ही है, अगर आप चेसिस अच्छे से नहीं खिंचवाएंगे या फुल बॉडी चेसिस नहीं बनवाएंगे। ये देखिए, ये चार पाइप जा रहे हैं ड्राइवर के पास में लीवर के, देख रहे हैं आप, सपोर्ट देखिए कितनी बेहतरीन, यहाँ पे एक सपोर्ट, एक यहाँ पे सपोर्ट, दोनों बीच में जा रही है सपोर्ट, और पीछे चली गई, फिर ये नीचे से जा रही है पीछे तक। ये ड्राइवर के पास में तो लीवर, आप इसे ऑपरेट करें। और डिस्ट्रीब्यूटर देख लीजिए आप, वीटेक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो जैक है डिस्ट्रीब्यूटर है, इन सब की गारंटी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पीछे तक आ गई है सपोर्ट, यहाँ बीच में यहाँ पे सपोर्ट देगी, फिर पीछे आ गई, और पीछे फिर इस पर वेट बॉक्स रख दिया गया है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज़, फुल सपोर्ट के साथ में फुल बॉडी एकदम कसावट है लोडर। जिस भाई को इस तरीके का लोडर बनवाना हो, नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर सकता है। और कृपया करके इस तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।